हमने बोला कि बेटा देखो तुम बदमाशी मत करो, कभी कल मैंने रोक बोता था बेटा तेरे पापा ने बहुत कम पैसे कमाते हैं, तुम जाओ वहाँ पर पढ़ो लिखो, तुम अच्छा लड़का बनोगे। तो उसने बोला कि नहीं मम्मी हमको सर मारेंगे वहाँ पर, सब लोग बोलता है ना कि सर मारते हैं। तो हम बोले देखो बेटा किसी का बात पर नहीं बात मानना चाहिए, तुम अगर कोचिंग में एक बार जाको देखो पढ़ाई होता है कि नहीं। तो इसने बोला कि नहीं हम सर मारते हैं तो हाथ लाल हो जाता है। तो हम बोले अच्छा बेटा आज तो हाथ लाल हो जाएगा मगर कल चल को तुम बहुत अच्छा लड़का बन जाओगे। उसने बोला कि अच्छा मम्मी ठीक है मैंने जाऊंगा। तो एक दिन मेरी तबीयत कस के खराब हो गया था तो मम्मी पापा ने आए थे तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम जाकर अपने बच्चे को जाकर कोचिंग में एक बार धाया। मैंने आया उसे एक बार अपने कोचिंग में धरा तो देखें कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है बेटा तुम जा। तो उसने पढ़ा फिर भी बोलता है कि मम्मी हम तो सब चीज में ठीक है मम्मी मगर हमको इंग्लिश का पढ़ाई का कोचिंग रखो। तो हम बोले क्या है इंग्लिश का पढ़ाई नहीं होता बेटा। उसने बोला कि मम्मी इंग्लिश का तो पढ़ाई होता है हमको समझ में नहीं आता है। हमने बोला कि ठीक है समझ में नहीं आता तो तुम सर से पूछो कि सर हमको ये चीज़ नहीं आता है। तो उसने एक दिन रोने लगा कि मम्मी नहीं हम इंग्लिश में बहुत कमजोर है हमको ट्यूशन रखो। तो हम बोले बेटा मेरे पास पैसा नहीं है तुम जाओ सर को बोलना सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आता है सर तुमने बता देंगे तो तुम पढ़ना। तो अच्छा ठीक है मम्मी। तो हम बोले कि बेटा तुम गाड़ी नहीं ना बकोगे। तो नहीं पहले बहुत गाड़ी देता था। तो हम माँ को बोले चलो सर से बोलेंगे मम्मी माफ़ी मांगते हैं अब से आप मत जाइए हम आपका बात मानेंगे सर से मत बोलिए नहीं तो सर आज भी मारेंगे तो मेरा हाथ लाल हो जाएगा मम्मी मत बोलिए माफ़ी मांगते हैं। बोले अच्छा ठीक है मगर मेरा बच्चा पहले से हमको देखने में लग रहा ठीक अच्छा लाइफ।